नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो कला और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। यद्यपि कला और संस्कृति है बहुत ही व्यापक टॉपिक है, जिसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो कला से संबंधित जो विषयों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से जो सिलेबस में क्वेश्चन टॉपिक रखा गया है और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम परीक्षा उन्मुखी जो है विषयों और जानकारी को इसमें जो है सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे और एक नए अप्रोच मैप के माध्यम से इसको जानने का जो प्रयास करें, जैसा कि जो है व्हाइट बोर्ड पर बना भी हुआ है एक मैप, इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये एक तथ्यात्मक जो है विषय है कि विभिन्न प्रकार के राज्यों में किन किन तरीके के जो लोक नृत्य जो है प्रचलित हैं, तो हम इसे थोड़ा सा जो है परिवर्तित जो है प्रारूप में जो देखने का प्रयास करेंगे, तो ये याद करने में जो है आसानी होगी। जैसे कोई भी सवाल पूछा जाता है कि ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसको इस रूप में तैयार करने से बेहतर है कि हम मैप के माध्यम से अपना एक इमेज दिमाग में बनाने का प्रयास करें कि एक तरफ से जैसे उत्तर की तरफ से हम अगर प्रारंभ कर देते हैं तो कौन कौन से राज्य आते हैं और उन राज्यों के क्या क्या जो है अपने लोक नृत्य प्रचलित हैं, तो इससे आपको एक आत्मविश्वास भी जागृत होता है। या अगर कभी कभी साक्षात्कार में पूछते हैं कि किन्हीं पांच राज्यों के जो है लोक नृत्य के बारे में बताइए, तो चूंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयार किए होंगे तो आपको वहां पे बताने में आसानी होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू इत्यादि में आपके ऊपर प्रेशर दबाव होता है और सवाल वहां पे सही नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक उसमें क्रम और एक ट्रेंड उसमें विकसित करें तो थोड़ा सा जो चीजों को आसान हो जाता है याद करने में और एक तैयारी उसमें जो है कंप्लीट हो जाती है। तो आइए हम लोग इसको इस तरीके से देखने का प्रयास करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में किस तरीके से जो लोक नृत्य प्रचलित हैं और कमोबेश वही लोक नृत्य जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। वास्तव में कला और संस्कृति का किसी भी देश या किसी भी काल में उस देश की जो है परिस्थितियों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को व्यक्त करता है। कई बार यह न केवल उस क्षेत्र के या उस समय के आर्थिक व्यवस्था या उस समय की समृद्धि को व्यक्त करता है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है इसके माध्यम से वहाँ की संस्कृति के भाव को व्यक्त किया जाता है और स्वयं यह संस्कृति भी जो है उस आर्थिक समृद्धि से जो है विकसित होती है। कहने का मतलब एक तरफ ये उस स्थिति को व्यक्त भी करती है और दूसरी तरफ उस स्थिति से प्रभावित भी होती है, क्योंकि किसी भी देश की कला और संस्कृति जो होती है वहाँ के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि उसकी क्या रुचि है। समय समय पर अलग अलग कालखंडों में अगर देखा जाए तो अलग अलग शासकों की रुचि के कारण से वहाँ पे स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण काल जो है रहा है। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो मंदिरों के निर्माण के जो एक पीरियड था गुप्त काल में अपने चरम पर था। इस तरीके से जो है आकर के जो मध्य काल में देखा जाए तो शाहजहां के समय में जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी कुछ जो है उपलब्धि अर्जित हुई। तो इस समय इस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग जो है शासकों के समय में जो है अपनी रुचि के कारण से जो है कलाएं अपने चरम पर पहुंचती रही हैं। तो कला के अंतर्गत जो है कई प्रकार की कलाएं, स्थापत्य कला है, संगीत कला है, नृत्य कला है, मूर्ति कला है, लोक नृत्य है, ये सारी चीज़ों को उसके अंतर्गत जो सम्मिलित किया जाता है। लेकिन पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक लेक्चर के रूप में कंसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ से हम इसको अगर देखने का जो प्रयास करें, जैसे अगर उत्तर में सबसे हम देखें तो जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो है रऊफ है, यहाँ का लोक नृत्य जो है वो रऊफ है। आपका जम्मू कश्मीर कुछ इस तरीके की स्थिति में जो है बनता है। यद्यपि जम्मू कश्मीर के बारे में ये जानना है कि ये वर्तमान समय में दो भागों में 31 अक्टूबर 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि हम कला संस्कृति में विभिन्न प्रकार के राज्यों के लोक नृत्य और लोक कलाओं को जो है सम्मिलित कर रहे हैं, तो एक खाका अपने दिमाग में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्व में जैसे राज्य था उसी तरीके से हम देख रहे हैं और यहाँ पर हम बॉर्डर लाइन को भी जो है क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल एक इमेज बनाने के लिए जो जरूरी है कि कहाँ पे क्या राज्य है। आदमी ऐसे राज्यों के बारे में पढ़ता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं जानकारी होती कि कहाँ पे उसका जो है लोकेशन है, तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से एक इमेज दिमाग में बनता है। लेकिन अब इसके आधार पर हम
जो है सीमा स्पर्श को नहीं व्याख्यायित कर पाएंगे, उसके लिए हमें एक जो स्पष्ट मैप का भी अध्ययन करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो स्पर्श करेंगे जो सीमाएं, उसके आधार पर आप किसी राज्य का किसी अन्य राज्य से सीमा स्पर्श का अध्ययन और तैयारी मत कीजिए। केवल वो जो है आपके दिमाग में इमेज पैदा करने के लिए इस तरीके से किया गया। तो जम्मू कश्मीर में आपका जो है रऊफ हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर में जो है रऊफ हो गया। और इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा उसके दक्षिण बढ़ेंगे तो यहां पर पंजाब आता है, थोड़ा सा दक्षिण अगर बढ़ेंगे तो यहां पे पंजाब आता है। और पंजाब में जो है भांगड़ा, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा ये दो जो है यहाँ के नृत्य हैं और ये कला एवं संस्कृति के भाग में आते हैं। तो पंजाब को अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है जो है, और यहाँ पे जो है आपका हिमाचल प्रदेश बन जाता है, ये आपका उत्तराखंड जो है बन जाता है, यहाँ पे जो है ये उत्तर प्रदेश बन जाता है, यूपी बन जाता है, इसी तरीके से जो है ये बिहार का जो है पार्ट, बिहार का पार्ट बनता है, ये झारखंड का बनता है, ये जो है इस तरीके से बंगाल का बनता है, और यहाँ पे जो है राजस्थान का ये क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, और ये जो है महाराष्ट्र का जो है पार्ट है, इसी तरीके से जो है यूपी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ये आपका जो है उड़ीसा का पार्ट है, उड़ीसा है, ये जो है छत्तीसगढ़ है, इसी तरीके से जो है ये महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये एमपी हो गया, और यहाँ पे जो है पंजाब हो गया ये, और ये जो है जे एंड के तो है जम्मू एंड कश्मीर, ये है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये बिहार है, ये झारखंड है, और ये जो है उड़ीसा है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये क्षेत्र आपका जो है कर्नाटक के रूप में है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक मान लीजिए यहाँ पे है, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और ये तमिलनाडु हो गया, और ये केरल हो गया, कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया, इसी तरीके से जो है ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश। तो अब आप लोगों को यहाँ पे इस मैप के माध्यम से एक इमेज बन जाता है, और इमेज के थ्रू जो है कला संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और लोक कला को यहाँ पे देखने का जो है प्रयास किया जाएगा। तो यह जो है मैप के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि किस तरीके राज्य हैं और उन राज्यों का जो लोकेशन किस तरीके से है, और इसके माध्यम से जो है हम इनमें जो प्रचलित है लोक नृत्य उसको देखने का प्रयास करेंगे। भाई पूर्वोत्तर में भी जो है यहाँ पे आपका जो है असम मान के चलिए, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, नागालैंड और मणिपुर, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी जो है एक राज्यों की जो है भौगोलिक अवस्थिति दिखाई पड़ती है। तो इसमें जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हम लोगों ने क्या देख लिया, रऊफ यहाँ पे हो गया, जम्मू कश्मीर में रऊफ हो गया, इसी तरीके से पंजाब के अंतर्गत भांगड़ा और गिद्दा हो गया। अब लोग हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश में आ गए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में धमान, छपेली और चंबा, चंबा जैसे घाटी भी है पर्वतीय क्षेत्र में, और
हिमाचल प्रदेश भी जो है पहाड़ी राज्य है, हिम अंचल माने जो बर्फ से जमा हुआ प्रदेश, ऐसा कहा जाता है। तो पूरा प्रदेश बर्फ से नहीं जमा रहता, लेकिन फिर भी उसी के नाम पर इसका नाम जो है पड़ा हुआ हिमाचल। तो यहाँ पे धमान, छपेली और चंबा, ये जो है तीन प्रकार के जो नृत्य हैं, लोक कलाएं, लोक नृत्य हैं, वो हिमाचल प्रदेश में जो है प्रचलित है। तो यहाँ से जो है भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से ये। और यहाँ पर केवल परीक्षा को ये भी चीज़ नहीं बताई जा रही, क्योंकि और भी कई पॉइंट आप भी हो जाते हैं, कई भी छोटे छोटे नृत्य होते हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रभावी नहीं होते हैं या उतना अपना जो है महत्व वहाँ स्थापित नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उनको यहाँ पर सम्मिलित नहीं करेंगे। केवल पहले प्रयास में केवल उन्हीं लोक नृत्य और कला को देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हिमाचल प्रदेश के बाद जो है उत्तराखंड आ गया, पहले इसका नाम जो उत्तराचल था, अभी 2006 के बाद इसका नाम जो उत्तराखंड हो गया, उसी तरीके से जैसे 1969 और 1973 ईस्वी में क्रमशः जो है तमिलनाडु और कर्नाटक नाम बनाया गया, जो है यहाँ मद्रास और मैसूर को हटा करके तो उत्तराखंड जिसे 2006 में नाम रखा गया। यहाँ पे जो है गढ़वाली, ये तो नाम वहां से संबंधित है, वहां का डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए भी आप लोगों को याद करने में इसे जो है आसानी होगी। कुमाऊं और गढ़वाली ये दोनों जो है नृत्य वहां पे प्रचलित हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चार रासलीला, रामलीला, कजरी और नौटंकी, नौटंकी यहाँ पे प्रचलित है। ये जो है रासलीला जो है वो प्रदेश के पश्चिमी भाग में मथुरा, आगरा इन सभी क्षेत्रों में, जैसा कि जो है श्री कृष्ण के जो है जन्मस्थली से प्रसिद्ध रासलीला जो है तो वहां पे मथुरा आगरा के क्षेत्र में पश्चिमी, और रामलीला जो है अवध या मध्य क्षेत्र में, कजरी जो है पूर्वांचल का है, और नौटंकी पूरे उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरीके से रामलीला, रासलीला, कजरी और नौटंकी ये जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है प्रचलित है, और यहीं से ही जो है सवाल आपके परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम जो है वहां पे चलते हैं जो है बिहार में। बिहार में जो है लोक नृत्य तो नहीं, लेकिन लोक कला के अंतर्गत जो है यहाँ गोदना, हाथ में जो है गोदने का काम, ये लोक कला के अंतर्गत आता है। गोदना और आहपन ये दोनों आते हैं। और अभी बिहार के बाद जो है यहाँ झारखंड आ गया, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड में जो है छऊ, झारखंड में जो है छऊ और सरहुल, ये जनजातियों से भी संबंधित नाम है। तो यहां पे ये दोनों प्रचलित हैं, छऊ और सरहुल, छऊ और सरहुल जो झारखंड से जो संबंधित हैं। इसी तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके से ही, तो दोनों दो दो राज्यों का हमने जो है समूह लेकर के जो है आगे हम लोग जो बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ हो गए, बिहार और झारखंड हो गए, अब इसी में जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी आता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चूंकि एक ही में पहले पूर्व में जो है राज्य था, तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों में लगभग चीजें प्रचलित हैं वही। तो छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो परीक्षा में पूछा जाता है, पांडवानी, पांडवानी, ये पांडवानी जो है। तीजन देवी जो है, तीजन बाई या तीजन देवी जो है इसकी जो है प्रसिद्ध जो है नृत्यिका थी, जो है इस लोक नृत्य से जो संबंधित थी, छत्तीसगढ़ में जो है प्रचलित था, छत्तीसगढ़ में जो है ये प्रसिद्ध था। पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ का जो है सबसे महत्वपूर्ण और जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने क्या देख लिया, पांडवानी देख लिया, ये छत्तीसगढ़ में जो है हम लोगों ने पांडवानी देख लिया। एमपी में भी जो है कोई इसी प्रकार के जो है लोक नृत्य प्रचलित है, वहां पर कोई विशेष प्रकार का लोक नृत्य नहीं है, इसलिए हम जो है इसी को ही जो है वहां का भी मान करके चलते हैं। और अब आगे हम जो है लोग बढ़ेंगे जो है बंगाल के लिए, जो है पश्चिमी बंगाल का मतलब यहाँ पे पश्चिमी बंगाल से है, यात्रा,
यात्रा और कीर्तन, यात्रा और कीर्तन जो है यहाँ का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का जो यात्रा और कीर्तन है। इसी तरीके से जो है अब हम लोग जो है पूर्वांचल पूर्वोत्तर के राज्यों की देख लेते हैं। जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है मुखौटा परीक्षा में पूछा भी गया है, तो मुखौटा यहाँ का लोक नृत्य है। इसी तरीके से जो है मेघालय में हम लोग देख लेते हैं, मेघालय में हम लोग देख लेते हैं लाहो, ये सब नाम भी पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र से है, तो यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश से जो है मुखौटा है, मेघालय से जो है लाहो है, और यहाँ पर असम, असम से जो है बिहू, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 3 बार वर्ष में जो है ये मनाया जाता है फसल कटने पर, और नए वर्ष में 3 बार जो है ये बिहू कार्यक्रम मनाया जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो पूर्वांचल से अगर पूर्वोत्तर से देखा जाए तो पूर्वोत्तर से 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम, ये 3 हैं जिनसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो असम है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से मुखौटा है, यहाँ से बिहू है और यहाँ से लाहो है। तो ये थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इमेज पैदा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग देखते हैं और देखना चाहिए। जो है अगला जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब पूर्वोत्तर का जो है हो गया, तो पूर्वोत्तर के बाद हम लोग इसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से पंजाब तक हम लोगों ने देख लिया था, और अब हम लोग जो है राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में जो है घूमर या झूमर दोनों ही कहा जाता है, और कालबेलिया ये वहां का जो सामान्य लोक नृत्य है, और ये जो है जनजातियों के द्वारा जो है प्रचलित लोक नृत्य है कालबेलिया। तो ये झूमर या घूमर और कालबेलिया ये दोनों जो है राजस्थान से हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं गुजरात में, गुजरात में जो है गासे गुजरात, गासे गरबा ये महत्वपूर्ण है, और दूसरा डांडिया आप लोगों को पता ही है यहाँ का है। अगला जो है यहाँ पे पनिहारी है, पनिहारी लास्या और टिप्पानी, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ये सभी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए देख लेना। गरबा है, डांडिया है, पनिहारी है, लास्या है और टिप्पानी है, तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। पनिहारी समझ ही रहे हैं, और इसी तरीके से डांडिया जो है और गरबा ये पहले से प्रचलित है, गरबा कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लास्या जैसे शिव का जो नृत्य होता है तांडव जिसको कहा जाता है, और उस तांडव नृत्य का जो फीमेल वर्जन है उसे ही लास्या कहा जाता है, यानी कि पार्वती के द्वारा किए गए नृत्य को लास्या के नाम से जाना जाता है। तो लास्या ये जो है वो तांडव का फीमेल वर्जन है, और टिप्पानी भी जो है यहाँ का नृत्य है। तो इस तरीके से गरबा, डांडिया, पनिहारी, लास्या और टिप्पानी इसमें आ जाते हैं। तो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद हम लोग जो है चलते हैं जो है महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो है तमाशा है, ये भी कई बार परीक्षा में जो है पूछा जा चुका है प्रश्न, तो तमाशा को यहाँ पे हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र के बाद तमाशा हो गया, इसके बाद जो है बंगाल हो गया, हम लोग उड़ीसा को देख लेते हैं। उड़ीसा में जो है ओडिसी, ये यहाँ का शास्त्रीय जो है कला है ओडिसी, ये भी परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से हम जो है मध्य के जो है क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। अब हम दक्षिण भारत की तरफ जो है आते हैं, दक्षिण भारत की तरफ हम कर्नाटक में आते हैं। दक्षिण भारत में जो है कर्नाटक को इसमें कवर करते हैं। कर्नाटक में क्या है, यक्षगान, कर्नाटक में जो है यक्षगान है, कर्नाटक आपका हो गया, यक्षगान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे उसके जस्ट पूर्व में है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में जो है ओडिसी हो ही गया, और इसके बाद जो है तमिलनाडु हम देख लेते हैं। तमिलनाडु में जो है क्या है, भारतनाट्यम,
तमिलनाडु में क्या है भारतनाट्यम हो गया, अब क्या बचता है केरला, केरल में जो है कथकली, कासे केरल कासे कथकली और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एक करके जो है सभी राज्यों से संबंधित लोक नृत्य को इसमें कवर करने का प्रयास किया। तो ये मैप के थ्रू, जैसे हम लोग कई बार परीक्षा में आता है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो हम बताते हैं जो है कि केरल का है, लेकिन अगर हम ये मैप के थ्रू इस बात को जानने का प्रयास करें, मतलब लोक नृत्य को मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करें और स्वयं अगर अब इसको याद हो गया तो आप कहीं पे भी 5 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। उत्तर से बढ़कर के जम्मू कश्मीर में राउ से लेकर के पंजाब में जो भांगड़ा गिद्दा, हिमाचल प्रदेश और इस तरीके से अगर हम दक्षिण भारत की तरफ तक आते हैं तो सभी राज्यों से संबंधित लोक नृत्य के बारे में एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है और इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल को हल करने में मदद मिलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका परीक्षा में जो पूछे जाने वाले सवालों को हल करने में आपका मदद करेगा। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।